आज हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है, लेनोवो 5030। तो ये हमारे पास RT 809H का प्रोग्रामर है। ये देखिए, बूटेबल डिवाइस के लिए बोल रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड लगेगा और ओके कर दिया जाएगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है, लेनोवो 5030। तो आज मैं इसका लैपटॉप में क्या है कि लैपटॉप में अभी तो ऑन नहीं हो रहा था, तो ये स्विच भी इसका काम नहीं कर रहा था। तो स्विच को बनाने के बाद अभी हम इसको चेक करते हैं डीसी पावर सप्लाई के थ्रू। अब डीसी पावर सप्लाई में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि लोड ले रहा है, ये ऑलरेडी 13-14 के आसपास लोड ले रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने ट्रिगर देने के बाद 125 का ट्रिगर यहाँ पे दिया हमने, ये जो आ रहा है 0.125 मिली एम्पियर। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में कोई कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके की ये प्रॉब्लम आ रही है, लोड नहीं ले रहा है। अभी हम इसको जो है ना एक बार ऑन करके इसका बोर्ड बाहर निकाल के फिर से चेक करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी लैपटॉप अगर आपके पास बनने के लिए आता है तो सबसे पहले आपको बोर्ड में देखना है, किसी भी लैपटॉप को देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो डीसी पावर सप्लाई आपके पास होना ज़रूरी है। और डीसी पावर सप्लाई से चेक करने से आपका उसको देखना है कि लोड ले रहा है, नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है। फिर उसके बाद कोई भी बोर्ड आपके पास आता है तो उसको आप अच्छे से ज़रा फिज़िकली चेकिंग आप करिए। अब यहाँ पर देखिए, इस बोर्ड में फ़ैन गायब है, फ़ैन लगा ही नहीं है इसमें, और यही एक हीट सिंक दे रखा है। रैम का स्लॉट भी एक ही हुआ है, एक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस बोर्ड में और क्या क्या है। ये विदाउट ग्राफिक वाला बोर्ड है आपका, और यहाँ पे जो ना सिंगल खाली सीपीयू एसओसी लगा हुआ है। तो ये बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश लग रहा है, इसमें किसी तरीके की कोई रिपेयरिंग नहीं है। तो अगर इस तरीके के कोई बोर्ड आते हैं आपके पास तो इजीली जल्दी बनने की बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो छिड़ा हुआ बोर्ड होता है, वह किसी के पास से होकर आता है, तो उस कंडीशन में फिर बोर्ड में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो पता नहीं उसने क्या कर रखा हुआ, क्या चीज़ चेक किया है। तो अभी हम देखते हैं पहले इसको क्या चीज़ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डीसी पावर सप्लाई से हम एक बार इसको सप्लाई देंगे, फिर इसके बाद हम चेक करते हैं।
अभी इस बोर्ड में क्या हो रहा है कि वोल्टेज तो सारा प्रॉपर बन रहा है और बोर्ड ट्रिगर तो ले ही रहा है, जो कि लोड लेने पे क्या होता है कि यहाँ पर 15 टू 12 से 15 के आसपास दिखाना चाहिए, वो भी शो कर रहा है। तो ट्रिगर भी ले रहा है, बैटरी भी इसकी सीमोस बैटरी भी ओके ही है। तो एक बार हम इसको क्या करना है, हमको बायोस को प्रोग्राम करके एक बार चेक करना होगा। तो बायोस के लिए हम बायोस को पहले हमें निकालना होगा। तो बायोस को प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रोग्रामर है, ये RT809H। तो हम इसके थ्रू अभी इसको प्रोग्राम करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास RT809H का प्रोग्रामर है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम तो इसको प्रोग्राम करेंगे। अभी बायोस को प्रोग्राम करके चेक करते हैं, क्योंकि ट्रिगर लेने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो हमको सबसे पहले अगर वोल्टेज नहीं बनता तो हमें उस सेक्शन को चेक करना होता है, लेकिन बट अभी वोल्टेज सारा बन रहा है तो हमें सबसे पहले तो बायोस को ही प्रोग्राम करके चेक करना होगा। बायोस को वापस बोर्ड में लगाते हैं। ये बायस लगाने के बाद अब हमने क्या करा है, एडाप्टर से हम सप्लाई इसको देंगे, और सप्लाई देने के बाद इसका स्विच को ऑन कर लेते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। ये देखिए बूटेबल डिवाइस के लिए बोल रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड लगेगा और ओके कर दिया जाएगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लैपटॉप डेड कंडीशन में अगर आता है तो आप इस तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं, और रिपेयर करने के साथ साथ आपको सर्किट डायग्राम को रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो सर्किट तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किट किस तरीके से वर्क करता है, और फॉल्ट का भी आइडिया आपको होना चाहिए कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हमको करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।